ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अनाया बेटा, मैं बेटा मोस्ट लाइकली आज रात को ना ये सारी फाइल्स एक साथ सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आपका मैसेज आएगा। टेक्स्ट फाइल्स की वीडियोस आई गेस आई हैव अपलोडेड। वैलिडेशन वाली मैंने अपलोड नहीं करी, वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? और फाइल्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि आज रात को सारी फाइल्स अपलोड कर दूँ, वन बाय वन शॉर्ट के ऊपर ही एक साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि एक ही जगह आप लोग को सारी चीजें मिल जाए। ओके जी, ASTC मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे। द टॉपिक बच्चों आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज पेपर टू टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। आई नो बच्चों, लॉजिक गेट्स बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा आता है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन अगेन हमें बहुत सारी चीजें नई भी डिस्कस करनी है, पुरानी भी डिस्कस करनी है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों जरा इस टॉपिक को, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों लॉजिक गेट्स, तो आपके सिलेबस के अंदर बच्चों देयर आर सिक्स टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक गेट्स को डिफाइन करेंगे। लॉजिक गेट्स होते क्या है? दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है बच्चों, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है हमारे पास, तो दे आर लॉजिक गेट्स। आपके सिलेबस के अंदर टोटल नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स आर सिक्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट लॉजिक गेट बच्चों इज कॉल्ड एंड गेट। अब एंड गेट बच्चों आपको डायग्राम बनाना आनी चाहिए एंड गेट की। सो योर एंड गेट लुक्स लाइक दिस। These are the inputs and this is the output and the name of this gate is AND gate. So the minimum number of inputs in this gate bachcho are always two. Hamesha do inputs hote hain. Agar main iska truth table banau to A, B and C, 0 0 1 1 0 1 0 1. ये एक्चुअली बच्चों ये गेट आपके पास मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा होता है। तो अब आप लोग खुद देख लें, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट विल बी जीरो, एंड वन मल्टीप्लाई बाय वन दैट विल बी वन। अब बच्चों अगर इस गेट की मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लॉजिकल स्टेटमेंट लिखूं, तो बच्चों द लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर दिस विल बी सी इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिस इज कॉल्ड बूलियन स्टेटमेंट। तो अगर मैं आप लोग के सामने इस गेट की बूलियन स्टेटमेंट लिखूं, तो दैट विल बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब एग्जाम में इट्स टोटली योर चॉइस कि ईदर यू कैन गो बच्चों विद द लॉजिकल स्टेटमेंट और यू कैन गो विद बूलियन स्टेटमेंट, लेकिन दोनों को मिक्स मत कर देगा, दोनों को सेपरेट रखेगा। दोनों को सेपरेट रखेगा, दोनों को मिक्स नहीं कर देगा बच्चों, ठीक है? Now moving forward, the next gate that we have bacho is OR gate. So the diagram bacho for the OR gate is
So this is how your OR gates looks like. Again, minimum inputs are 2. And we are having one output, that is C. Agar main iska truth table banau, A, B, C. So 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. तो बच्चों ये आपके पास और ऑपरेशन अप्लाई कर रहा होता है. अगर कोई एक वैल्यू भी अगर आप लोग के पास वन है, द रिजल्ट विल बी वन. सो दिस विल बी 0111. अगर मैं यहाँ पे बच्चों इसकी अब लॉजिकल स्टेटमेंट लिखूं, सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट एंड वी आर हैविंग बूलियन स्टेटमेंट. So you need to write, बच्चों कोई भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग यहाँ पे पेपर के अंदर, इधर यू कैन राइट द बुलियन वन और यू कैन राइट द लॉजिकल वन. दोनों को मिक्स मत कर देगा. तो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है आपके पास इसकी, दिस विल बी C इज इक्वल्स टू A और B, एंड द बुलियन स्टेटमेंट बच्चों विल बी C इज इक्वल्स टू A प्लस B. तो दीज आर द टू गेट्स बच्चों, एंड गेट एंड और गेट. अब इन दोनों गेट्स के ना हमारे पास अपोजिट गेट्स होते हैं, इन दोनों का इनवर्स होता है हमारे पास. सो अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट का इनवर्स बच्चों इज एंड गेट का बच्चों इनवर्स हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड थर्ड गेट NAND gate. NAND gate is a inverse बच्चों of AND gate. बच्चों दिखने में बिल्कुल सेम लगता है ये AND gate जैसा, बिल्कुल AND gate जैसी इसकी डायग्राम होती है. जस्ट आप लोग स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, एक NOT लगा देते हैं. So this is called your NAND gate. Again, minimum inputs are 2, A and B, and the output is C. So A, B, C, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So this is the truth table. This is actually the possible number of combinations that you can have. अब देखें, AND gate के अंदर आपके पास 0, 0 क्या था? That was 0. यहाँ पे क्या होगा? Opposite, this will be 1. 0, 1, वहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, 1 and 0. Now, if we go with बच्चों, The logical statement for NAND gate is C is equals to A A NAND B, and Boolean statement bacho is equals to C is equals to A dot B whole bar. So this bar is actually representing bacho ke aapke paas this is NAND gate. Similarly bacho hamare paas ab yahan pe NAND OR gate ka opposite kya hota hai, OR gate ka opposite hota hai hamare paas NOR gate. So the fourth gate that we have is called NOR gate. And this is opposite of bacho OR. Again, डायग्राम वाइज बच्चों बिल्कुल सेम दिखते हैं हमारे पास, लाइक और गेट. लेकिन आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं. सो अगेन टू इनपुट्स ए बी एंड द आउटपुट इज सी. इफ यू गो विद द ट्रूथ टेबल 0011 0101. The output will be OR gate में 00 हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, and then 000. And if we go with the statement बच्चो, so the logical statement is C is equals to A NOR B. And the Boolean statement bacho is equals to C is equals to A plus B whole bar. So these are bacho hamare paas yahan pe ye aapke
चार गेट्स हो जाते हैं। इन सारे गेट्स की डायग्राम आप लोग को क्लियरली बनाना आनी चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट है ये, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग टू गेट्स, लेट्स टॉक अबाउट बच्चों द रिमेनिंग टू गेट्स। द फिफ्थ गेट इज कॉल्ड नॉट गेट, इस गेट को हम लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर। और इस गेट की बच्चों एक खास बात है, दिस इज ओनली सिंगल इनपुट वी हैव। तो इस गेट के अंदर बच्चों जो इनपुट होता है दैट इज अ सिंगल इनपुट, सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास इनपुट होती है। द गेट बच्चों लुक्स लाइक दिस, लेट्स से दिस इज आवर इनपुट ए एंड दिस इज आवर आउटपुट बी। सो इफ यू गो विद द डायग्राम, द लॉजिकल स्टेटमेंट बच्चों दैट वी हैव इज ए इज इक्वल्स टू नॉट बी, एंड द बूलियन स्टेटमेंट बच्चों इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी बार, ठीक है। सो द लास्ट गेट दैट वी हैव इज द लास्ट गेट दैट वी हैव बच्चो इज द सिक्स्थ गेट, and this is called XOR gate. There is another name for this gate, is this is also called exclusive OR. तो हम इसे exclusive OR gate भी कहते हैं। The diagram बच्चों looks like this. तो बच्चों द डायग्राम लुक्स लाइक दिस, दिस इज योर एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ये थोड़ा सा ये मिले होते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी हैव। तो लेट्स से इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड द आउटपुट इज सी, सो अगर मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्रिएट करूं, सो द ट्रुथ टेबल विल लुक लाइक दिस, ए बी सी 0 0, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ए बी सी 0 0 1 1 0 1 0 1। तो बच्चों यहां पे जब आपके पास इनपुट्स आपके सेम होते लाइक when the inputs are same 0 0 या 1 1, the output is 0, and when the inputs are different like 0 1 या 1 0, the output is 1, and if we go with the statements, if we go bachcho with the statements, the logical statement is a simple one, c is equals to a xor b, and the boolean statement bachcho is c is equals to a dot b bar plus a bar dot b।
सो दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट बच्चों फॉर ZOR गेट. सो दीज आर द टोटल 6 गेट्स दैट आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इनका ट्रुथ टेबल, इनकी डायग्राम, ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए. अब बच्चों बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे. अब आपके पास देर आर टू गेट्स, दीज टू गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. हमारे पास दो तरह के गेट होते हैं, दे बोथ आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं आपके पास. कौन कौन से गेट्स? द फर्स्ट गेट बच्चों इज कॉल्ड NAND gates and NOR gate, they both are called universal gates. Now, पहले तो बच्चों इस बात का जवाब अगर कोई देना चाहे, why they are called universal gates? इनको हम लोग universal gates क्यों कहते हैं? Anyone? कोई बच्चा अगर यहाँ पे बताना चाहे, क्योंकि सब गेट्स इनसे बन सकते हैं. ठीक है, गुड. तो बच्चों बिकॉज वी कैन क्रिएट ऑल द रिमेनिंग गेट्स फ्रॉम दीज टू गेट्स, NAND और NOR से हम लोग अपने बाकी सारे गेट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद बच्चों द फर्स्ट वन, लेट्स से आई वॉज हैविंग अ गेट एंड दिस गेट बच्चों वॉज AND gate, A, B, C. अब अगर बच्चों मुझे इस गेट को कन्वर्ट करना है यूजिंग NAND gates ओनली, सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस. So this is the replacement bacho of AND gate using NAND gates only. Ab ye diagram aap logo ko bacho yaad honi chahiye, pata honi chahiye. This is compulsory stuff. Ye aap logo ko baat yaad honi chahiye, pata honi chahiye. Agar main aap logo ko example du yahan pe, aap log dekhen agar values yahan pe enter kare 01, aapko pata hai AND gate ke andar 01 ki result kya aayega, koi bhi cheez aap multiply kare the final result will be 0. अब आप लोग NAND पे अप्लाई करें जरा यहाँ पे 01. आपको पता है NAND AND का अपोजिट है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? द रिजल्ट विल बी 1. अब ये 1 जो है ना, ये 1 फ्लो करता हुआ यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, और NAND गेट के अंदर 1 बच्चों क्या होता है? 0 होता है. सो यू कैन सी द आउटपुट्स फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स विल रिमेन सेम. सो दे आर द इक्विवेलेंट सर्किट्स, या आपके पास equivalent circuits हैं. ठीक है, अब बच्चों अगर आप लोग को NAND गेट यूज करते हुए, अगर आपको अब NAND गेट यूज करते हुए बच्चों एक और गेट बनाना हो, एंड दैट इज OR गेट, तो लेट्स से दिस इज द डायग्राम फॉर द OR गेट. This is the diagram for OR gate. And now you need to replace this OR gate using NAND gates only. So this is the equivalent circuit, bachcho, jo aap log ko pata hona chahiye. सो अगर आप लोग को और गेट को रिप्लेस करना है,
तो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम बच्चों फॉर द NAND गेट। अब ये डायग्राम्स बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आप लोग को बनाना आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर और गेट में अगर आपको मैं ड्राई रन करके दिखाऊं, और गेट में 01 क्या होता है सर, 1 होता है। तो अब जरा यहां पे एंटर करें, अब जरा यहां पे एंटर करें बच्चों, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो बच्चों मैंने यहां पे एंटर करा 0 और यहां पे एंटर करा 1। अब ये देखिए 0 जो है वो ये ब्रेक करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो 0 यहां पे भी इनपुट हुआ, यहां पे भी हुआ। 00 NAND गेट में क्या होंगे आपके पास बच्चों, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और 11 आपके पास क्या होगा, दैट विल बी बच्चों इक्वल्स टू 0। अब यहां पे 10 आया NAND गेट के अंदर, और 10 बच्चों NAND गेट के अंदर आपके पास रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, अपोजिट ऑफ AND, सो दिस विल बी 1। सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ दीज गेट्स। एंड द लास्ट बच्चों गेट दैट यू कैन कन्वर्ट यूजिंग द NAND गेट इज NOT गेट। तो अगर मैं आप लोग के सामने NOT गेट की डायग्राम बनाऊं, तो NOT गेट क्या होता है, आपका इन्वर्टर होता है। अगर आप यहां पे एंटर करते हैं, लेट्स से ए बी द इक्विवेलेंट सर्किट बच्चों यूजिंग द NAND गेट्स ओनली विल बी अ सिंपल वन, ठीक है, ए एंड यू विल बी हैविंग बी। अब आप यहां पे एंटर कर दें, आपने 0 एंटर करा बच्चों, 00 यहां पर गया, रिजल्ट विल बी 1। आप अगर 1 एंटर करते हैं बच्चों, 11 यहां पे गया, आउटपुट विल बी 0। So, ये आपकी गेट को क्या कर रहा है, इनवर्स कर रहा है। सो दीज आर द इक्विवेलेंट डायग्राम्स ऑफ एंड और एंड नॉट गेट्स यूजिंग यूजिंग NAND गेट्स ओनली। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया स्टार्टिंग के अंदर कि आपके पास सिर्फ एंड गेट इज नॉट द यूनिवर्सल गेट, वी आर हैविंग अनदर यूनिवर्सल गेट एंड दैट यूनिवर्सल गेट इज कॉल्ड NOR गेट एज वेल। तो NOR गेट भी आपके पास यूनिवर्सल गेट होता है आपके पास, ठीक है। सो आप लोग को ये इक्विवेलेंट डायग्राम्स NOR गेट से भी आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो NOR गेट इज आल्सो अ यूनिवर्सल गेट। सो स्टार्टिंग विद बच्चों, अगर मुझे OR गेट को बनाना हो यूजिंग NOR गेट्स ओनली, सो दिस इज माय OR गेट। A, B, C. So we can replace simply by using 2 NOR gates. हम अपने आउटपुट को ब्रेक कर देते into 2 parts. A, B, C. So this is the replacement bacho of NOR gate using OR gate using NOR gate only. अब अगर आप लोग को AND को replace करना हो, if you want to replace AND gate using NOR gates only, bachcho the diagram will be like this. A,
बी सी. तो दिस इज द रिप्लेसमेंट बच्चों ऑफ एंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स ओनली. एंड द लास्ट गेट बच्चों अगर आपको नॉट को रिप्लेस करना है, इसको ड्राई रन करके दिखा दूं एक वैल्यू. लेट्स से मैंने एंटर करा बच्चों यहाँ पे 01, द रिजल्ट विल बी 0. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर करा बच्चों 01 नॉर गेट है. 00 पे बच्चों आपके पास आउटपुट क्या आएगा 1, और 11 के ऊपर आपका आउटपुट क्या आएगा 0. अब बच्चों नॉर गेट है, 10 के ऊपर आपका आउटपुट क्या आएगा, इट विल बी 0. ठीक है, तो आप लोग को ये ट्रुथ टेबल अगर आप लोग ड्राई रन करके भी देखें तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग सेम रिजल्ट्स. एंड द लास्ट गेट बच्चों आप लोग को नॉट गेट भी बनाना आना चाहिए यूजिंग नॉर गेट सो दिस इज द रिप्लेसमेंट बच्चों ऑफ नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट्स ओनली. अगर मैं इसको ड्राई रन करके दिखा दूं बच्चों, मैंने एंटर करा 1 11 यहाँ पे किया बच्चों, आउटपुट विल बी 0 एंड सो ऑन. सो दीज आर द रिप्लेसमेंट बच्चों ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स. और ये आप लोग को यहाँ पे ये सारी थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे क्या कर ली, कंप्लीट कर ली ऑफ लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट्स की मैंने सारी थ्योरी बच्चों यहाँ पे क्या कर ली, कंप्लीट कर ली. नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर क्वेश्चंस. लेट मी शेयर द वर्कशीट विद यू पीपल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर. ओके जी, तो बच्चों दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन योर एग्जाम्स. आप लोग के पास इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं. तो जरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी. देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी और एग्जामिनर ये स्टेटमेंट देने के बाद आपके पास ये एग्जामिनर ये स्टफ देने के बाद आपको बता रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है इज इट डे टाइम. तो बच्चों इज इट डे टाइम की के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यूज. तो डे टाइम के लिए आप देख सकते हैं डे के लिए द वैल्यू इज 1. अगर टेबल में ऊपर बच्चों द वैल्यू इज 1 तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिंपल इनपुट लेंगे. तो ये रहा डी,
और मैंने यहाँ पे बच्चों इनपुट ले लिया एंड दैट इनपुट विल बी अ सिंपल वन। ठीक है, अब ये बोल रहा है टेम्परेचर इज टू हाई, मैंने वैल्यू चेक करी बच्चों टेम्परेचर टू हाई, यू कैन सी चार्ट में वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज जीरो। इफ द वैल्यू इज जीरो इन द चार्ट, तो बच्चों अब आप लोग इनपुट लेंगे विद अ नॉट गेट। अगर ऊपर चार्ट में वैल्यू जीरो होती है तो आप लोग इनपुट लेते हैं विद अ नॉट गेट, अगर ऊपर चार्ट में वैल्यू जीरो नहीं होती आप लोग इनपुट लेते बच्चों सिंपल इनपुट आप लोग लेते हैं। ठीक है, सिंस वैल्यू जीरो है तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू लूंगा बच्चों इनपुट बट विद अ नॉट गेट। मैंने यहाँ पे नॉट गेट लगाया। अब बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, एंड हो रही है। एंड, ठीक है, सो वी आर डन बच्चों विद दिस पार्ट। आगे बता रहे और ह्यूमिडिटी इज टू लो, तो बच्चों टू लो ह्यूमिडिटी चेक कर लें, ये रहा ह्यूमिडिटी टू लो, द वैल्यू इज जीरो, तो अगेन आई नीड टू पुट अ नॉट गेट, मुझे अगेन नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे इनपुट लिया विद अ नॉट गेट और ये पूरी स्टेटमेंट और ये पूरी स्टेटमेंट बच्चों क्या हो रही है आपके पास, और हो रही है, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करवा दिया, और करवा दिया। तो यू पीपल शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस नॉट गेट और गेट। एंड बच्चों दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ अब बच्चों वाई के लिए ऑब्जर्व कर ले, यहां पे y के लिए बता रहे y is on temperature is too high, तो temperature too high की वैल्यू मैंने चेक करी बच्चों this was zero, मेरे पास बच्चों temperature too high, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास temperature too high was available, तो मैंने क्या करा, मैंने यहीं से एक इनपुट ले लिया temperature too high। ठीक है, यहां से temperature too high, मतलब मुझे क्या चाहिए था, मुझे t नॉट चाहिए था, t नॉट बच्चों मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल था, अगर मुझे सिर्फ t चाहिए होता तो मैं यहां से इनपुट ले लेता, लेकिन मुझे टी नॉट ही चाहिए तो बच्चों मैंने यहां से इनपुट ले लिया, टी नॉट मिल गया। ठीक है, अवॉइड यूजिंग द एक्स्ट्रा गेट्स। और बच्चों बोल रहे विंडोज आर क्लोज्ड, मैंने ऑब्जर्व करा विंडोज क्लोज पे बच्चों द वैल्यू वाज जीरो, सो दिस वाज डब्ल्यू, जब वैल्यू जीरो है तो आप लोग इनपुट लेंगे विद अ नॉट गेट। एंड ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, दे आर बींग एंड, तो मैंने दोनों को एंड करवा दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू Y. So we are done, bachcho, with the first question. Examiner is awarding us 6 marks for this part. Agar aap log ka koi question hai, koi queries hai, koi cheez aapko unclear hai, feel free to ask. Koi cheez unclear, koi doubt, warna clear likh de bachcho, so that we can move to the next question. अच्छा जी, देखो अब्दुल्ला आपको यहाँ पे क्या गिवन था, आपको ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन थी, ये डायग्राम ये टेबल आपको गिवन थी, एग्जामिनर ने बोला ये स्टेटमेंट देखते हुए ये चार्ट देखते हुए आपको ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट, आपको लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना था। ठीक है, तो आपने क्या करा, अब आपने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ी वन बाय वन, लिखा हुआ था इट इज डे टाइम, तो मैंने ऊपर चार्ट में वैल्यू देखी, अगर डे टाइम की ऊपर चार्ट में वैल्यू वन है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इनपुट लेंगे, तो मैंने डे टाइम का ये रहा डी वेरिएबल, मैंने सिंपल इनपुट ले लिया। अब ये बोल रहा है टेम्परेचर इज टू हाई, मैंने ऊपर गया वैल्यू चेक करी, टू हाई पे वैल्यू क्या थी, जीरो, तो टेम्परेचर के लिए वेरिएबल क्या था, टी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया जीरो, अगर वैल्यू होगी तो आप इनपुट लोगे विद अ नॉट गेट, और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही थी, लिखा हुआ है एंड, तो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। एंड सिमिलरली फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने ये सारे काम परफॉर्म करते रहे, मैं करता रहा। अच्छा जी, अब्दुल्ला अगेन सवाल कर रहे हैं, लेट मी चेक, थोड़ा सा मैं सवाल को बड़ा कर लूं सर।
अब्दुल्ला, अब ये चीज क्लियर हुई आपको बेटा? थोड़ा अभी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी विद टाइम। सर जो आपने यूनिवर्सल गेट्स बनाए दे आर इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज, यस माहिर बेटा, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर कंपल्सरी टू मेमोराइज, देर इज नो अदर ऑप्शन कि आप उनको याद ना करें, आपको सारे गेट्स बनाना और आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगले पार्ट के अंदर देखो, अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, आप लोग को एक स्टेटमेंट दिए, दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी हैव, लॉजिकल स्टेटमेंट है। अब ये बोल रहा है इसका रिजल्ट लिख के दिखाओ, दिस इज द ट्रुथ टेबल। अब देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आप लोग मेरे रूल्स, अगर आप लोग का अपना कोई रूल बना हुआ है तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप लोग मेरा रूल फॉलो करेंगे तो वो भी आसान है। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, ये तो खैर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बी नैंड सी को एक नंबर असाइन कर दिया, दैट इज वन। मैंने नॉट ए को बच्चों नंबर असाइन कर दिया, दैट इज टू। वन और टू बच्चों कैलकुलेट कर लें, तो वन क्या होगा, बी नैंड सी, ये रहा वन, बी एंड सी क्या हो रहे, नैंड हो रहे। नैंड क्या होता है बच्चों, एंड का अपोजिट, तो एंड में बच्चों जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर आपका जीरो आना था, लेकिन नैंड की वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल बी वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो आंसर, लेकिन नैंड है अपोजिट ऑफ एंड तो वन आ गया, अगेन वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, एंड में क्या होता है वन, तो नैंड में क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, वन वन वन, अगेन वन मल्टीप्लाई बाय वन, सो दिस विल बी जीरो। सो मेरे पास बच्चों वन आ गया। अब बच्चों टू निकालना है, टू क्या है, नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए का अपोजिट, तो मैंने यहाँ पे बच्चों टू कैलकुलेट कर लिया, दिस विल बी अपोजिट ऑफ ए, तो ए बच्चों मेरे पास ये रहा, मुझे क्या करना है, मुझे ए का अपोजिट कैलकुलेट करना है। सो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन, अगर यहाँ पे जीरो है, वन 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 जीरो 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 जीरो, तो वॉट एवर द वैल्यूज वर मैंने उनको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया, तो नॉट का यही मतलब होता है। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये वन एंड टू आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चों मेरे पास वन भी अवेलेबल है, मेरे पास टू भी अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो 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 जीरो, एंड वी आर डन, फोर मार्क्स, ठीक है। सो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है दैट यू नीड टू राइट अ लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर द सर्किट। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे, अगेन हर चीज में स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले ये कर लेते हैं, अब्दुल्ला आप मुझे बताएंगे ये कौन सा गेट है, ए और बी, ये बीच में गेट कौन सा है, आप मुझे वेरीफाई करेंगे जरा चैट ऑप्शन में लिख के। सर डू वी नीड टू नो हाउ टू मेक जोर गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर? जी अनाया बेटा करवाऊंगा अगली क्लास में, हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, फिर मैं इसके ऊपर भी लिख रहा आपको। और गेट तो अब्दुल्ला बता दो, बिल्कुल सही बताया आपने, ए और बी, और फॉरन क्या करो, ब्रैकेट्स बना दो, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कंसिडर कर लो भाई, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, बी और सी क्या हो रहे हैं, अगेन और हो रहे, लेकिन बच्चों सी के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो मैंने यहां पे बना लिया बी और, लेकिन सी के आगे क्या लगा हुआ था बच्चों, नॉट सी, अगेन मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया ब्रैकेट। अब ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या हो रहा है, आपके सामने एंड हो रहा है, तो बच्चों मैंने बीच में क्या लिख दिया, एंड, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स, सो वी आर डन, थ्री मार्क्स लिखे हुए यहाँ पे, तो आपके एग्जामिनर ने तीन नंबर आपको अवार्ड करे थे फॉर राइटिंग द लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर दिस पार्ट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चले बच्चों, आसान क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते ऐसे सच आपके पास। ठीक है, तो
एक बस बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज परफॉर्म करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन जो है अलॉन्ग विद मैनी अदर क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में टारगेट करेंगे। अगेन कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है बच्चों, मैंने यहाँ पे पढ़ लिया विंडोज, विंडो इज क्लोज्ड, मैं ऊपर गया टेबल में, विंडो इज क्लोज, वैल्यू क्या है? जीरो। बच्चों जब ऊपर टेबल में वैल्यू जीरो होती है आप लोग इनपुट लोगे विद अ नॉट गेट। ये रहा विंडो, मैंने इनपुट लिया बच्चों, बट दिस टाइम द इनपुट विल बी विद अ नॉट गेट, तो आई पुट अ नॉट गेट ओवर हियर। आगे बता रहे बच्चों टेम्परेचर ग्रेटर देन 26, टेम्परेचर ग्रेटर देन 26 पे वैल्यू बच्चों क्या है? वन। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इनपुट लूंगा, मैंने सिंपल इनपुट ले लिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, लिखा हुआ है बच्चों एंड, तो मैंने दोनों को आपस में क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर इज लेस देन 26, टेम्परेचर लेस देन 26 पे वैल्यू क्या है? जीरो। तो बच्चों मैंने अब इनपुट लिया विद अ नॉट गेट, जब भी वैल्यू जीरो होगी मैं इनपुट लूंगा बच्चों विद अ नॉट गेट, एक नॉट गेट मैंने आगे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50, बच्चों ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 50 पे वैल्यू क्या है? वन। तो मैं सिंपल इनपुट लूंगा, मैंने सिंपल इनपुट लिया बच्चों, एंड नाउ ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, मैंने एंड करवा दिया दोनों को। इन दोनों का जो रिजल्ट है बच्चों आपस में क्या हो रहा है, वो और हो रहा है, तो मैंने दोनों के रिजल्ट्स को क्या करवा दिया, और करवा दिया। एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स, डन, 5 marks। सर व्हाई डू यू यूज अ नॉट फॉर जीरो? अच्छा जी, तो अब्दुल्ला हम जीरो के लिए नॉट गेट इसलिए यूज करते हैं बिकॉज देखो क्वेश्चन में मेंशन होता है यहाँ पे साउंड इज इक्वल टू वन, अलार्म एक्स व्हेन द साउंड इज इक्वल टू वन। जब भी हर क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू या जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू वन डिफाइंड होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सर्किट्स हैं, दीज सर्किट्स आर एक्टिव हाई सर्किट्स, ये वन के ऊपर काम करेंगे, ये जीरो के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू जीरो आ रही होती है तो हम नॉट गेट लगा के क्या करते हैं, उनको एक्टिव हाई करते हैं। आपको पता है अगर मैं जीरो के आगे नॉट लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक्चुअली वी कन्वर्ट दो सर्किट्स इनटू एक्टिव हाई, हम उसको एक्टिव हाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो हर क्वेश्चन में मेंशन होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। ये देखो द वॉटरिंग सिस्टम टर्न्स ऑन व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज वन। तो आज तक जितने भी आपके पास 22 सालों में हमेशा आपके पास एक्टिव हाई सर्किट्स आपका एग्जामिनर देता है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता द वॉटरिंग सिस्टम टर्न्स ऑन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फिर वो उल्टा काम करते। हम जीरो को अगर ऊपर वैल्यू जीरो होती हम सिंपल इनपुट लेते, और ऊपर अगर वैल्यू वन होती तो वन के आगे हम क्या लगाते, नॉट लगा के उसको एक्टिव लो करते। लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आपने सवाल करा तो मैं आपको जवाब दे रहा था। तो आपके जितने भी सर्किट्स होते हैं द सर्किट्स आर एक्टिव हाई, हर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ होता है। यहाँ पे भी देखो वन लिखा हुआ है, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये एक्टिव हाई सर्किट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, सो बच्चों आज इसको अभी तक होल्ड करेंगे, अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉजिक गेट्स के बहुत सारे और भी मल्टीपल बातें करेंगे रिगार्डिंग द लॉजिक गेट्स। और अगली क्लास में बच्चों हम लॉजिक गेट्स का थोड़ा सा लंबा सेशन रखेंगे ताकि बस लॉजिक गेट्स के हम सारे क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप करें। सर इज दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर टू? लास्ट टॉपिक तुम कह सकते हो उमर, लेकिन लास्ट टॉपिक कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे आप लोग को जो 15 marks वाला क्वेश्चन है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने। ठीक है, तो श्योर अब्दुल्ला आई विल, तो आज इसको यही तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।